आज 17वीं लोकसभा के लिए पहले चरण के लिए वोट डाले गए। मतदान का वक्त 6 बजे तक का था। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर भी मतदान हुआ। देश भर के 1,269 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से आज लोकतंत्र का ये त्योहार जो है वो मनाया गया, उसकी ये तस्वीरें हैं। हर कोई वोटिंग करने के लिए यहां पर पहुंचा और अब बुजुर्ग लोग भी यहां पर पहुंचे, जैसा कि इन तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अपने मत का इस्तेमाल युवा ने तो किया ही किया है, इसके साथ बुजुर्ग भी यहां पर पीछे नहीं रहे। बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर, इसके साथ महिलाएं हूं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची, जैसा कि ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में यहां पर, चाहे फिर वो बुजुर्ग हो या फिर युवा हो या फिर महिलाएं हो, वो हर कोई यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचा। सहारनपुर में 5 बजे तक 63.76% मतदान हुआ। कैराना में 60% मतदान 5 बजे तक हुआ। मुजफ्फरनगर में 60.80% मतदान हुआ। इसके अलावा बिजनौर में 5 बजे तक 60.60% ही मतदान हुआ। मेरठ में 5 बजे तक 49.40% यहां पर वोट डले। तो ये आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं कि 5 बजे तक किस तरीके से मतदान यहां पर पड़ा। गाजियाबाद में 5 बजे तक 55.20% वोटिंग हुई। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में 58% मत यहां पर गिरे। वहीं मेरठ में 49.40% मतदान यहां पर, बिजनौर में 60.60% मतदान यहां पर डाला गया। तो कहां पर कितना परसेंट मतदान यहां पर पड़ा यूपी की सीटों को लेकर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मतदान अब जो है वो खत्म हो चुका है और आंकड़े जो है 5 बजे तक क्या रहे वो टेलीविजन स्क्रीन पर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो उस लोकतंत्र के त्योहार में हर कोई मतदान करने के लिए यहां पर पहुंचा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे भरी दोपहरी यहां पर थी, धूप थी, लेकिन उसके बावजूद लोग यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। और जैसा कि लोगों को लगातार इस बार जागरूक भी किया जा रहा था कि घरों से निकलें अपने और अपने मत का इस्तेमाल करें। अगर चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, तो उसके लिए घरों से बाहर लोगों को निकलना होगा। और लोगों में वो जागरूकता नजर भी आई। बुजुर्ग लोग भी यहां पर अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, कतारों में खड़े नजर आए। और ये कतारें जो हैं, यही है जो आगे का फ्यूचर तय करेगी, किसके सर पर जीत का सेहरा होगा। और इस वक्त बीके सिंह को भी आप देख रहे हैं, बीके सिंह ने भी वोट करा। तो उसके बाद यहां पर उनकी ये तस्वीरें वोट करने की बात, जो कि गाजियाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो आपको बता दें, संजीव बालियान भी यहां पर अपना वोट करने के लिए पहुंचे। जब अपना वोट करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। मुजफ्फरनगर से वो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, और यहां पर उन्होंने आरोप भी लगाया था आज बोगस वोटिंग का। ये कहा था कुछ लोग बुरखे में आ रहे हैं, उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए यहां पर। और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर मतदान करने अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। ये तस्वीरें तब की जब अपने परिवार के साथ अपने मत का इस्तेमाल यहां पर करने के लिए वो पहुंचे थे, उनका परिवार उनके साथ मौजूद था। तो हर किसी ने यहां पर मतदान किया, अपने मत का इस्तेमाल किया। और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे अपने मत का इस्तेमाल करते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे जब यहां पर वोट जो है वो पड़ रहा था। तो फिलहाल अब वोटिंग जो है वो बंद हो चुकी है। और विंडो में हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं जो सीट्स हैं, कितना परसेंट मतदान जो है 5 बजे तक यहां पर डाला गया है। तो 8 सीटों के लिए यूपी की मतदान आज था, उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए था, और अब मतदान जो है वो समाप्त हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। परसेंट जो है 5 बजे तक किस तरीके से निकल के आया वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ जनप्रतिनिधि भी हैं जो कि अपना मत का इस्तेमाल किस तरीके से करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करी जाए तो 58% यहां पर वोटिंग 5 बजे तक हुई। मेरठ में 5 बजे तक 59.40% वोट यहां पर डले। बिजनौर में 60.60% वोटिंग यहां पर हुई। बागपत की अगर बात कर ली जाए तो 60.40% वोट यहां पर डाला। वहीं गाजियाबाद में भी 50% से ऊपर यहां पर मत डाला। ये 8 तस्वीरें मतदान की महाकवरेज की, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रही है, दर्शा रही है किस तरीके से आज जनता ने लोकतंत्र का महापर्व मनाया है। बढ़ चढ़कर से लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी ने अपना योगदान दिया और अपना जो कर्म था एक तरीके से वो आज पूरा किया है। गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पहली खास इनिशिएटिव एक तरीके से लिया गया इस बार, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए पोलिंग बूथ ऐसे बनाए गए, पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए, जहां पर हर कोई
महिला कर्मचारी ही काम करती हुई नजर आएगी। महिला सशक्तिकरण को लेते हुए यह काम किया गया। इसके अलावा आगे गाजियाबाद की तरफ बढ़े तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग वोट करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। हर कोई अपने मत का इस्तेमाल यहां पर करा था।